जय हिंद फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। नंबर एक, एनआईवीएस शिक्षकों के लिए, और नंबर दो, वैसे शिक्षक साथी जो लगभग 12 वर्ष पूरा कर चुके हैं, 12 वर्ष की सेवा ठीक ठाक जिनका पूरा हो गया है, वैसे शिक्षकों के लिए। साथियों, जिन शिक्षकों का 12 वर्ष पूरा हो गया है उनका प्रमोशन होने जा रहा है। किन किन जिलों में, किन किन प्रखंडों में लेटर जारी हो चुका है, इसके बारे में आप लोग को जानकारी देने वाले हैं। साथियों, नंबर एक पर, चूंकि प्रमोशन और बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा भी होगी, तो परीक्षा होगी उन सभी शिक्षकों के लिए जिनका 12 वर्ष नहीं पूरा है, वे लोग परीक्षा के माध्यम से आएंगे, और जिनका 12 वर्ष पूर चुका है वो डायरेक्ट प्रमोशन में जाएंगे। तो वैसे शिक्षक जिनका 12 वर्ष योगदान, और दो बातें हैं, एक योगदान और दूसरा आपका क्या है, वो प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण मैक्सिमम लोगों का चूंकि बाद में हुआ है, तो प्रशिक्षण जिनका भी बाद में हुआ है उनका यदि 12 वर्ष पूरा हो चुका है, तो 12 वर्ष का संतोषजनक सेवा जिनका है, वो लोग दो तीन पेपर बनवा लें। पेपर में पहला नंबर बनवा लें कौन सा, तो चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा, स्वच्छता प्रमाण पत्र बनेगा, और सेवा पुस्तिका की को जो है स्व भी प्रमाणित करके छाया प्रति उसका जमा करना है। तो जिनका 12 वर्ष पूरा हो गया है उसमें सबसे पहले नंबर पर देखिए तो बेगूसराय आपका आता है। बेगूसराय शुरू में ही निकाल दिया था। बेगूसराय में जो छौराही प्रखंड है वहां पर 20 फरवरी तक, इसी 20 तक, 20 तक सारे लोगों को पेपर जमा करना है, और जो बेसिक ग्रेड में थे वो प्रोन्नत होकर के स्नातक ग्रेड में चले जाएंगे। वहीं पर देखिए, अगर बात करें मुजफ्फरपुर का भी एक खबर आया है। मुजफ्फरपुर के एक गायघाट प्रखंड में भी यह देखने को मिला है। गायघाट प्रखंड में आपको जो है ये 14 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी तक जो है आवेदन लिए जा रहे हैं। ये खबर है सर, प्रोन्नति का मामला है। अगर आप लोग के जिला में, आप लोग के जो ब्लॉक में अगर इस तरह का मामला नहीं चल रहा है, तो आप लोग भी संपर्क कीजिए और जल्द से जल्द करवा लीजिए, क्योंकि प्रोन्नत का मामला है। फिर क्या होगा कि अगर ठंडा गया तो ठंडे बस्ते में जब चला जाएगा तो फिर जो है क्या होगा कि बाद में प्रमोशन होगा या ना होगा कौन देखाया, क्योंकि शिक्षा विभाग का मामला नहीं। तो आप लोग यदि चाहते हैं कि आप लोग का भी प्रमोशन हो जाए, जो लोग 12 वर्ष हो चुका है, तो वो लोग फटाफट थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लोगों तक जानकारी पहुंचाइए, और आप लोग भी अपने पदाधिकारी से मिल करके और लेटर निकलवा लीजिए। अब मामला एनआईओएस शिक्षक साथियों का है। एनआईओएस वाले शिक्षक लोग जो भी हैं उनके लिए देखिए निर्देशक प्राथमिक शिक्षा है, और जो भी लोग हैं उन लोगों से जब जब भी वार्ता हुई है, जो भी लोग गए हैं, सब लोगों को वो डायरेक्ट हाई कोर्ट के निर्णय का हवाला देकर के अपना जान बचा लिए हैं। लेकिन अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार जो कुछ संगठन जो है आपको मिलने गया है शिक्षा मंत्री से, और शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो है, जो संगठन के लोग गए हैं, तो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि हम जो निर्देशक लोग हैं उन लोगों से 1 से 2 दिन में, सोमवार से मंगलवार तक बैठक करते हैं, और बैठक करने के बाद हम निर्णय लेंगे। चूंकि मामला तनिक थोड़ा मतलब कम शिक्षक नहीं है, लगभग 50,000 के आसपास शिक्षकों का है, तो 50,000 शिक्षक का वेतन कटौती हो जाए ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो सारे लोग ऐसे अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं, और देखिए अपडेट क्या आता है 1-2 दिन के बाद जो है आपको पता चल जाएगा। सोम से मंगल तक जो है एनआईओएस शिक्षक साथियों के लिए भी कुछ निर्णय आने की संभावनाएं हैं। बाकी वेतन कटने की बात है तो जिन लोगों का मान लीजिए जो 31 मार्च 2019 का ये दिया था, और जिन लोगों का 31 मार्च से चूंकि एग्जाम वगैरह पहले हो गया है तो वाजी में तो नहीं बनता है, लेकिन देख लीजिए 2-3 दिन की बातें हैं, सोम से मंगलवार तक आपको स्पष्ट हो जाएगा कि शिक्षा मंत्री जी के द्वारा क्या कहा जा रहा है। ठीक है, ज्यादातर टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोगों का जो है निराकरण होगा ही होगा, और थोड़ा है वही है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, तो आप लोग सत्यता पर हैं, आप लोगों की इसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा, आप लोग को परेशान थोड़ा सा तो हो ही जाएंगे, हो ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, निश्चित रूप से आप लोगों को विजयी हासिल होगा। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा सा शेयर करिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।